सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे जीने की राह के साथ। जीने की राह के बाद आप देखेंगे दिन भर के खबरों की टॉप हेडलाइंस। आरटीओ में बहती है भ्रष्टाचार की गंगा। रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ आरटीओ अधिकारी। ओतारी और लिपिक वाघमा ने नागपुर एंटी करप्शन की कार्रवाई। हमने क्यों बुलाया लाल बहादुर शास्त्री को, किसी को नहीं याद आए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले। इस वर्ष के शारदीय नवरात्रि उत्सव का काउंटडाउन शुरू। चंद पलों पर है घट स्थापना। विभिन्न मंडलों की नवरात्रि उत्सव तैयारियां पूरी। महकमा भी हो गया सतर्क। राष्ट्रीय वृद्ध प्रकार आरोग्य शुश्रूषा कार्यक्रम जाहिर। सभी का आरोग्य संभालेगा आरोग्य महकमा। थम ही नहीं रहा 25 कोटी का विवाद। मनपा में सत्ताधारी कांग्रेस की मुखालिफत ताल ठोके राष्ट्रवादी और जन विकास कांग्रेस ने। ये थी अब तक की टॉप हेडलाइंस और हेडलाइंस के प्रायोजक थे। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। India Bulls Home Loans, घर आ जाओ। चलिए अब करते हैं दिनभर के खबरों की समीक्षा। देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करेंगे शहर में घटे आपराधिक घटनाओं की समीक्षा क्राइम वॉच में। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम खबर महानगरी की ये रही कि अमरावती प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के दो अधिकारियों को नागपुर से अमरावती धमके। एंटी करप्शन के दस्ते ने रंगे हाथ रिश्वत स्वीकारते धर दबोचा। अमरावती प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के सहायक आरटीओ अधिकारी मनोज गजानन उतारी और आरटीओ दफ्तर के वरिष्ठ लिपिक अरुण वाघमारे, इन दोनों को नागपुर के एंटी करप्शन दस्ते ने 10,000 की रिश्वत स्वीकारते रंगे हाथ धर दबोचा। छत्तीसगढ़ के शमशेर सिंह का ट्रक बगैर कार्रवाई के छुड़ाने इन अधिकारियों ने रिश्वत मांगी थी, जिस पर एंटी करप्शन के दस्ते ने ट्रैप लगाकर इन दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब रहे कि सिटी न्यूज बारंबार ये जाहिर तौर पे साफ कर चुका है कि अमरावती के आरटीओ कार्यालय में धड़ल्ले से रिश्वत की गंगा बहती है। फिर भी अधिकारीगण इस ओर अनदेखी करते हैं और इसी अनदेखी को उजागर किया एंटी करप्शन के इस कार्रवाई ने। आरटीओ दफ्तर में गुरुवार की दोपहर नागपुर के एंटी करप्शन दस्ते ने छापा मारा। आरटीओ कार्यालय प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। आए दिन इस दफ्तर में भ्रष्टाचार की गंगा बहती है और इसकी तमाम खबरें भी अन्य कितने वृत्तपत्रों में आती है, टीवी चैनल्स पर आती है। फिर भी आरटीओ का भ्रष्टाचारी महकमा का है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता और इसी प्रकार की श्रृंखला इस पूरे महाराष्ट्र राज्य परिवहन कार्यालय के दफ्तर में हर विभाग में हर संभाग में चलती ही रहती है और इसी का पुख्ता प्रमाण हमारे पास मौजूद है। हम जिस दफ्तर में खड़े हैं वो आरटीओ अफसर मनोज उतारी साहब का दफ्तर है और इस दफ्तर के अंदर नागपुर से आया
एंटी करप्शन टीम का दल पूरी जांच पड़ताल कर रहा है। इस दल ने उतारी साहब को बाकायदा रिश्वत लेते रंगे हाथ दमबीश कार्रवाई की है। अब ये प्रकरण और कितने ऊंचाई तक जाता है और कितने अधिकारियों की लिस्ट अपराधियों के सूची में बनती है ये भी देखना बाकी है। हम देखते हैं कि अभी प्रकरण आगे कहां तक जाएगा। एंटी करप्शन नागपुर के दस्ते ने 10,000 रुपयों की रिश्वत लेते सहायक आरटीओ अधिकारी मनोज गजानन ओतारी और आरटीओ दफ्तर का वरिष्ठ लिपिक अरुण बागमारी इन दोनों को रंगे हाथ धर दबोचा। प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ के शमशेर सिंह नामक ट्रक मालिक का CG07MA5053 क्रमांक वाला ट्रक नेर में डिटेन किया, जिसके बाद प्रकरण कोर्ट में गया। कोर्ट ने उक्त ट्रक सुपर नामे पर छोड़ देने की ऑर्डर की, लेकिन ऐसे ऑर्डर रहते भी आरटीओ अधिकारी मनोज ओतारी ने ट्रक छोड़ने 10,000 की रिश्वत मांगी थी। फिरियादी के वकील एडवोकेट सिद्धार्थ गायकवाड़ ने यह जानकारी दी। गाड़ी थी सुखविंदर सिंह नाम के आदमी की, शमशेर सिंह नाम के आदमी की। उसकी गाड़ी को 9 तारीख को चलान हुआ था और चलान होने के बाद वो मेरे पास आया कि गाड़ी अपनी छुड़ाना है, ये यहाँ पर 80,000 रुपए मांग रहे। तो मैंने बोला ठीक है, एक प्रोसीजर है, एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का गृह मंत्रालय का एक GR है, अगर कोर्ट में अगर केस भेज दी जाए तो ओवरलोड की गाड़ी को रिलीज करना पड़ता है। उस हिसाब से मैंने उस बंदे को एक वकालतनामे पे साइन लिया और एक उसको एप्लीकेशन दिया कि तुम RTO में जाओ और उनको बोलो कि तुम कोर्ट में केस भेज दो। ये 11 तारीख को उसने भेजा, इन्होंने 13 तारीख तक के कुछ भी नहीं किए। फिर 17 तारीख को मैंने उसका सुकृतनामा दाखिल किया कोर्ट से। कोर्ट में इन्होंने बोला कि सबने सब ये किया है, कोर्ट को पावर नहीं है, मगर कोर्ट ने उसकी 10 लाख के इंडेमनिटी बॉन्ड पे सुकृतनामा रिलीज किया 27 तारीख को। 27 तारीख को शाम को आने के बाद ये बोले तुम 29 तारीख को आओ। कल आने के बाद यानी उस दिन आने के बाद इन्होंने बोला कि तुम कोर्ट से ऑर्डर लाओ या कुछ भी लाओ, उसका हम सस्पेंड करेंगे गाड़ी, 30 दिन हम खड़ी रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं साहब, वो गरीब आदमी ऐसा है। तो ये बोले ठीक है, हम कोर्ट वोरट को जानते नहीं, तुम 10,000 रुपये दे दो। वो हिसाब से सीधी सीधी रिश्वत मांगी गई। मैंने आज उसको जो दो दिन पहले मैंने कंप्लेंट किया अमरावती एंटी करप्शन में कंप्लेंट नहीं किया, क्योंकि इसने इसके पहले मुझे चैलेंज किया था कि यहाँ पर मैं 5 लाख रुपए महीने से देता हूँ, इसलिए यहाँ पर मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए मैं नागपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की मदद लिया और आज का वो कार्रवाई हो गई। जिस पर नागपुर एंटी करप्शन के DCP निशित मिश्रा के मार्गदर्शन में भारत क्षीरसागर राजू बहादुरे के दस्ते ने ट्रैप लगाया, जिसमें RTO अधिकारी मनोज ओतारी और वरिष्ठ लिपिक अरुण बागमारे रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। दोनों आरोपी पर लाच लुटपत प्रतिबंधक कानून की धारा 7, 12, 13 ड अनुसार कार्रवाई हो रही है। तक्रारीवरून लाचेच्या मागणीची पडताळणी करण्याकरिता दिनांक 1/1/2013 रोजी आम्ही एंटीक्रशन ब्युरोचे अधिकारी श्री मी स्वतः आणि पोलीस निरीक्षक राजू बहादुरे यांचे स्टाफचे पथक हे अमरावती इथे आले होते। त्या दरम्यान श्री मनोज उतारी यांची सापळे लाचेच्या मागणीची पडताळणी करण्यात आली। पडताळणी दरम्यान त्यांनी तक्रारी श्री गायकवाड यांना आज भेटण्यासाठी सांगितलं होतं, तर पुन्हा आज श्री गरजदार मनोज उतारी यांची लाचेच्या संबंधाने पडताळणी केली असता पडताळणी ही पॉझिटिव्ह आली। त्याच्यामध्ये त्यांनी कलम 86 मोटर वाहन कायदा प्रमाणे तक्रारी यांचे अशी लाचे ट्रकचे परमिट सस्पेंड न करण्याबाबत आणि ट्रक सुपूर्दनाम्यावर सोडण्याकरिता 10,000 रुपये लाचेची मागणी केली होती। मागणी पॉझिटिव्ह असल्यामुळे लाचेचा सापळा आयोजित करण्यात आला आणि सापळ्यादरम्यान आरोपी क्रमांक 2 श्री वाघमारे वरिष्ठ लिपिक यांनी तक्रारीकडून लाच रक्कम रुपये 10,000 रुपये स्वीकारली। सदर कारवाई संबंधाने पोलीस स्टेशन गाळवीनगर इथे सरकारतर्फे आम्ही कलम 7, 12, 13 ड लाचलुचपत प्रतिबंध कायदा प्रमाणे गुन्हा दाखल। किती अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली, कोणत्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली? सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री मनोज उतारी आणि त्यांचे कर्मचारी श्री वाघमारे वरिष्ठ लिपिक
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अमरावती यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आलेली आहे. 10,000 रुपयाची लाच. हा अमरावती नाही, आम्ही इथे आमची कारवाई केल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे काय आदेश आहेत या संबंधाने त्यानुसार आम्ही पुढील कारवाई करू. शहर में घटे सामाजिक राजकीय एवं अन्य समिश्र खबरों पर भी एक नजर डालते हैं. 2 अक्टूबर यानी उन जन नायकों का जन्मदिन जिन्होंने गुलामी के जंजीरों में जकड़े भारत को आजादी दिलाने की नींव रखी. इस दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था. ये दोनों नाम आजादी के लड़ाई में अग्रणी थे. आजादी प्राप्त कर आजाद भारत को जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया. वो नारा तो हमें याद है पर नारा लगाने वाला नहीं, ये हालिया वस्तु स्थिति है. बड़े खेत से पूछना पड़ता है कि हमें महात्मा गांधी तो याद रहे पर हम लाल बहादुर शास्त्री को क्यों भूल गए. 2 अक्टूबर 2013 यानी कल का गुजरा दिन. इस 2 अक्टूबर के तमाम अखबार तो आपने देखे ही होंगे. कोई भी अखबार उठाए तो उसमें 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कुल 6 सभी ने देखी. महात्मा गांधी के जन्मदिन पर उन्हें सभी स्तर से मान वंदना अर्पित की गई. सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय शायद यहाँ भूल चुका है कि इस दिन एक और महापुरुष जन्मा था जिसने आजाद भारत के भूमि पर जय जवान जय किसान का नारा लगाया. महात्मा गांधी जयंती के दिन ही पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती पड़ती है पर उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जाहिर रूप से अनदेखा किया. सिर्फ गांधी जयंती के बड़े बड़े एड छपा कर शास्त्री जी को भुला दिया. सिटी न्यूज बड़े खेत से पूछता है, हमें गांधी जी तो याद रहे पंडित लाल बहादुर शास्त्री क्यों नहीं? किसी के पास है तो जवाब जरूर दीजिए.